INS विक्रांत, यह बना है भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके सी ट्रायल 4 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट टू अस। स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली बार एक एयरक्राफ्ट कैरियर को खुद बनाया है और इसे बनाया गया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और इसके डिजाइन को तैयार किया गया है DND द्वारा। DND की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। दुनिया में गिनती के ही देश हैं जो अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं, जिनमें अब भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं INS विक्रांत के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। INS विक्रांत एक बहुत ही विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका वजन लगभग 40,000 से 42,000 टन है, जिसकी लंबाई लगभग 262 मीटर और जिसकी चौड़ाई लगभग 62 मीटर है। INS विक्रांत की टॉप स्पीड लगभग 28 नॉट्स है। INS विक्रांत को बनाने में लगभग $3.5 बिलियन इंडियन रुपीज में बात करें तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। सुनने में तो यह अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, परंतु स्वदेशी होने के कारण इस एयरक्राफ्ट कैरियर की ज्यादातर लागत का हिस्सा हमारे देश की इकोनॉमी में ही इस्तेमाल हुआ है। INS विक्रांत को बनाने में लगभग 50 से अधिक भारतीय कंपनियों को टेंडर मिला है और लगभग 2000 से अधिक लोगों को डायरेक्ट रूप से और 40,000 से अधिक लोगों को इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो पूरी दुनिया में गिनती के ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें US, चाइना, इटली, UK, फ्रांस और इंडिया है। US के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना के पास 2, इटली के पास 2, यूनाइटेड किंगडम के पास 2, फ्रांस के पास 1 और भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास फिलहाल समय में INS विक्रमादित्य है, जो 2008 को भारत ने रशिया से परचेज किया था। फिलहाल INS विक्रांत एक टेस्टिंग फेज में है, जो अगले साल तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा और भारतीय नौसेना की ताकत को और भी अधिक मजबूत करेगा। इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।